समान राशि व ऋण माफी के पैसे को लेकर खाता धारकों से बिगड़ी बैंक की व्यवस्था, तहसीलदार व शाखा प्रबंधक ने संभाला मोर्चा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान राशि व ऋण माफी को लेकर किसानों के बैंक में एकदम खाता धारकों का मानो बैंक में सैलाब आ गया, पर वहीं अधिक भीड़ पहुंचने से बैंक की व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। वहीं कुछ खाता धारकों ने बैंक डायरी में एंट्री न होने की शिकायत और गेट पर नंबर लगाने पर 100 रुपये की मांग व अभद्रता की शिकायत भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से की, जिसके चलते किसान यूनियन नेतागण भी बैंक पहुंच गए। विवाद की स्थिति देखते हुए तहसीलदार शिवराम कनासे व शाखा प्रबंधक महेंद्र कुमार जाटवा ने खाता धारकों व किसान यूनियन के नेताओं से बात कर बैंक की व्यवस्था में सुधार करने की बात कही। जो उनके खाते में वित्तीय वर्ष 2018-19 का जो रबी सीजन का जो बीमा आया है, वो बीमा क्लेम राशि यहाँ हमारे किसान भाई वसूल करने के लिए अपने खाता से निकालने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ अव्यवस्था इतनी हो गई है कि किसानों को दुत्कारा जा रहा है, 80-80 साल के बुजुर्गों को धक्के दिए जा रहे हैं, और इनके जो मैनेजर साहब के जो माथा जो निचले के स्तर के जो कर्मचारी है, गेट कीपर से लेकर के जो भी भुगतान अधिकारी तक, ये सब किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, भाषाई अपमान कर रहे हैं, और ये भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी हमने प्रबंधक महोदय से बात की है, सारी समस्याएं उनके सामने रखी, उन्होंने वादा करा है कि आज के बाद सारी समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से निपटा करके सुचारू रूप से आज से हम भुगतान प्रारंभ करवा रहे हैं। इसी बात को शायद सूचना के माध्यम से हमारे माननीय तहसीलदार साहब भी यहाँ पर पधार गए, उन्होंने भी किसानों को आश्वस्त किया है, नई व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर ईजाद की है, तो सभी किसान भाई उससे सहमत है। दूसरा एक मुद्दा ये था कि 3 दिन से मेरे पास खबर आ रही थी, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, यहाँ पर 100 रुपये 50 रुपये चाय की होटल में दलाली लेकर के जो अंदर डायरियाँ जो पड़ी रहती है थप्पियाँ, उसमें से नीचे की डायरी निकाल करके ऊपर करके पेमेंट करवा रहे हैं, 100-100 रुपये की रिश्वत ये निचले स्तर के कर्मचारी ले रहे हैं। तो प्रबंधक महोदय को ये बात भी हमने बताई है, तहसीलदार साहब ने इस चीज़ के रिकॉर्ड मांगे तो हम उनके कार्यालय में आज या कल में खुद जा करके वो रिकॉर्ड जिन्होंने रिश्वत ली उनके नाम और जिनसे ली गई उनके नाम और कॉल रिकॉर्ड ये सब उनको वहाँ पर उपलब्ध करवाऊँगा। और भविष्य में अगर किसानों के साथ अभद्रता होती है, भाषाई अपमान होता है, बुजुर्गों को या नौजवानों को धक्का मुक्की किया जाता है, तो भारतीय किसान यूनियन स्थायी रूप से यहाँ पर धरना लगा करके बैठेगी, किसान हक की लड़ाई लड़ेगी और इनको सबक सिखाएगी। ये अगर सुधरते हैं तो ठीक, वरना भारतीय किसान यूनियन हम किसान सभी किसान भाइयों के लिए एक पैर पर इनका इनके साथ संघर्ष करने के लिए खड़ी है। बहुत बहुत पेमेंट आया है पीएम किसान निधि का, इसके कारण भीड़ लग रही है, और कुछ किसानों की जो समस्याएं थी उनको अभी तहसीलदार साहब ने भी सुना, मेरे द्वारा भी सुना गया है, और उनका निदान कर दिया जाएगा। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।